हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल आर एस के डोसेंट। आई एम मन्नत लांबा। आज हम क्लास 11 केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री का 8th पार्ट कवर करेंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट। अब हम बात करेंगे लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के बारे में। इसमें हम 6 लॉज के बारे में बात करेंगे। जो एवोगाड्रो लॉ है, वैसे तो उसको हम स्टेट्स ऑफ मैटर वाले चैप्टर में कवर करेंगे, तो हम इन लॉज को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, टोटल मास रिमेन्स कंजर्वड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। अब देखो, कहीं पे भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन आ जाए, चाहे वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हो या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, उसका जो कॉन्सेप्ट है वो सेम ही है, राइट? दैट अगर हम सिंपली बात करें, हम एक और डेफिनेशन पढ़ते हैं जो हम छोटे क्लासेस में पढ़ते थे, दैट मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ये लो यही तो कहता है कि जो मास है ना, तो हम उसको बना सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, ना ही हम उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, क्योंकि वो एक केमिकल रिएक्शन की बात कर रहे हैं, तो उसमें वो एक फिक्स्ड है, कंजर्व्ड है, जिसमें जो रिएक्टेंट का मास है वो प्रोडक्ट के मास के इक्वल है। अब एग्जाम में ना, एक नीट PYQ में एक ऐसा क्वेश्चन था जिसमें उन्होंने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में ये वाला जो हमारे पास रिएक्ट मतलब एक इक्वेशन सी दे दिया, इसको रिटर्न फॉर्म में लिख दिया था, दैट टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल्स टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। अब बच्चों ने क्या किया था, और ना तो ये वाली डेफिनेशन दी थी, ना ही वो क्रिएटेड एंड डिस्ट्रॉयड वाली, बाकी कोई अलग अलग डेफिनेशंस दी हुई थी, बस थोड़ी मिलती जुलती सी दी हुई थी। एक डेफिनेशन उसमें दी हुई थी कि मैटर को हम नहीं कर सकते, लेकिन ज़्यादातर बच्चों ने उसमें मैटर वाला ऑप्शन चूज किया और इस ऑप्शन को नेगलेक्ट कर दिया, लेकिन उसका सही आंसर था ये वाला। तो हमें यही छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान रखना होता है, छोटे छोटे वर्ड्स पे हमें ध्यान देना होता है कि कौन सा फॉर्मूला या कौन सी डेफिनेशन क्या बता रहे हैं, ठीक है? एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो हमारे पास एक ये इक्वेशन है, N2+H2 गिव्स NH3। अब कुछ बच्चे इसको ना हमें एग्जाम में मान लो ऐसे दे दी, या हमें कहीं पे भी एक इक्वेशन दे दी, उसको बैलेंस नहीं कर रखा। अब बच्चे उसमें ये लो लगाएंगे तो उसमें तो लो लगेगा ही नहीं है, क्योंकि वो बैलेंस्ड नहीं है। जब तक इक्वेशन बैलेंस्ड नहीं होगी, जब तक ये लो कैसे एप्लीकेबल होगा, तो पहले इक्वेशन को बैलेंस्ड करना होगा। ये तो एक छोटी सी इक्वेशन है, इसमें तो चलो हो, कुछ बड़ी इक्वेशंस भी हो जाती हैं, राइट? तो उनमें हमें बैलेंस करना होगा इक्वेशन को पहले, देन हम इसको लो को लगाएंगे, वो एप्लीकेबल होगा। जैसे ये वाली जो इक्वेशन है, ये तो ये बैलेंस्ड है, तो इसमें लो एप्लीकेबल है। जैसे N2 और H2 का जब हमने मास निकाला, 28 और 6, इनको ऐड किया 34 आया, रिएक्टेंट का मास 34 और प्रोडक्ट का मास आया 34, यानी कि दोनों इक्वल हैं, तो हमारा ये प्रूव हो गया दैट रिएक्टेंट का जो मास है वो प्रोडक्ट के मास के इक्वल होता है, वो कंजर्व्ड होता है, राइट? अब ये जो लो है ना, ये फॉलो नहीं करते न्यूक्लियर रिएक्शंस, मतलब न्यूक्लियर रिएक्शन में लो फॉलो नहीं होता है, एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि जो न्यूक्लियर रिएक्शन है उसमें हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। हमें ये फॉर्मूला तो पता है, E इक्वल्स टू MC स्क्वायर, राइट? एनर्जी इक्वल्स टू मास इंटू में स्पीड ऑफ लाइट, मतलब एनर्जी इतनी हाई अमाउंट में रिलीज होती है, इसलिए इस वाली रिएक्शन में जो न्यूक्लियर फिजन या न्यूक्लियर फ्यूजन वाली जो रिएक्शंस होती हैं उनमें लो एप्लीकेबल नहीं है। नेक्स्ट लो है लो ऑफ कांस्टेंट एंड डेफिनेट प्रोपोर्शन। अकॉर्डिंग टू दिस लो, एलिमेंट्स कंबाइन इन सिंपल रेशियो ऑफ द मासेस टू फॉर्म कंपाउंड्स एंड द रेशियो रिमेन्स फिक्स्ड इररिस्पेक्टिव ऑफ सोर्स ऑफ प्रिपरेशन। यानी कि हमारे पास मान लो H2O है, अगर हम H2O में हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का आपस में हम निकालें उनका रेशियो, तो हमारे पास 1:8 आएगा। अब चाहे हमारे पास कोई भी एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, हम उस मॉलिक्यूल में अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का हम रेशियो निकालते हैं, तो वो हमेशा ही फिक्स आएगा, क्योंकि जो इसका मास है वो तो फिक्स है ना, इसलिए। या फिर मान लो हम एक और एग्जांपल देखते हैं, CO2, हम इसमें कार्बन और ऑक्सीजन का अगर रेशियो निकालें, तो वो भी 3:8। अब चाहे वो CO2 हो या सिंपली कार्बन मोनोक्साइड CO हो, ठीक है, उसमें भी कार्बन और ऑक्सीजन C और O का जो रेशियो है वो तो 3:8 ही आएगा ना। तो
ये लो यही कहता है, लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट एंड डेफिनेट प्रोपोर्शन, कि जो एलिमेंट हैं चाहे वो अपने सिंपल रेशियो में, अपने मासेस के सिंपल रेशियो में जब वो कंबाइन करते हैं तो वो एक फिक्स्ड रेशियो में एक कंपाउंड बनाते हैं, इरिस्पेक्टिव ऑफ सोर्स ऑफ प्रिपरेशन। मतलब इस चीज़ से फर्क नहीं पड़ता कि उनकी प्रिपरेशन का तरीका क्या है, सोर्स क्या है। ठीक है, जो मास है वो तो फिक्स ही है, इसलिए जो रेशियो आता है वो भी एक फिक्स आता है, क्योंकि हम इसमें दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन का नहीं, हम एक हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन का, अब वो यूनिवर्सल है कि एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन या फिर एक कार्बन और एक ऑक्सीजन का जो मास का रेशियो है वो तो फिक्स ही रहेगा ना, तो ये लोग कहते हैं। नेक्स्ट लो है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। व्हेन टू और मोर एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म टू और मोर प्रोडक्ट, देन मासेस ऑफ वन एलिमेंट विच कंबाइन्स विद अ फिक्स्ड मास ऑफ अदर एलिमेंट विल ऑलवेज बी इन अ सिंपल रेशियो। यानी कि मान लो हम बात करते हैं कि एक कार्बन है, कार्बन के साथ ऑक्सीजन कंबाइन हो रहा है, अब वो ऑक्सीजन कार्बन के साथ कंबाइन हो रहा है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड भी बना सकता है CO2, या वो कार्बन मोनोऑक्साइड CO भी बना सकता है। अब देखो कार्बन तो फिक्स है लेकिन जो ऑक्सीजन है वो तो डिफरेंट है ना, तो हम क्या करते हैं, अगर हम चेक करें कि व्हेन टू और मोर एलिमेंट्स, मतलब जब कोई भी दो एलिमेंट जैसे कार्बन और ऑक्सीजन कंबाइन करते हैं टू फॉर्म, मतलब दो एलिमेंट जब दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट्स, जैसे इसमें दो एलिमेंट्स कार्बन और ऑक्सीजन, दो प्रोडक्ट बनाए CO2 एंड CO, देन मास ऑफ वन एलिमेंट विच कंबाइन विद फिक्स्ड मास, मतलब जैसे ऑक्सीजन है वो दोनों में अलग अलग है, इसमें O2 है इसमें O है, दोनों का मास अलग होगा, लेकिन कार्बन का तो दोनों में मास 12 ही है क्योंकि वो फिक्स सेंट्रल एटम है, दोनों में सिर्फ एक एक कार्बन है। सो वन एलिमेंट विच कंबाइन विद फिक्स्ड मास ऑफ अदर एलिमेंट विल ऑलवेज बी इन अ सिंपल रेशियो, तो इन दोनों का जो रेशियो होगा, अब कार्बन को हम भूल जाते हैं और जो दोनों ऑक्सीजन है इन दोनों का जो रेशियो होगा वो एक सिंपल रेशियो होगा, मतलब इसमें ऑक्सीजन का मास है 16 और इसमें ऑक्सीजन का मास है 32, तो दोनों में ऑक्सीजन का जो रेशियो आ गया वो आ गया 1:2, इसी को कहते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन। ठीक है, अब देखो इस वाले में तो हम देख रहे थे कि दो अलग अलग एलिमेंट का जो मास है वो यूनिवर्सल, मतलब उनके मास का जो रेशियो है वो फिक्स है, यूनिवर्सल है। इसमें हम देख रहे हैं जब दो एलिमेंट दो या दो से ज्यादा कंपाउंड बनाते हैं तो उसमें जो डिफर वाले एलिमेंट है, मतलब जो जैसे ऑक्सीजन यहाँ पे देखिए तो उनका जो मास है आपस में ऑक्सीजन ऑक्सीजन का, वो एक सिंपल रेशियो बनाता है। जैसे नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं SO2, एस का सल्फर और ऑक्सीजन जब कंबाइन कर रहे हैं तो एक तो वो बना रहे हैं SO2, एक बना रहे हैं SO3। अब सल्फर का तो फिक्स है 32, इसमें भी 32, ऑक्सीजन O2 का होएगा 32, O3 तीन आ गए तो एक का होता है 12, तो 3 का हो जाएगा 48। तो जब इन दोनों का रेशियो निकाला तो वो आया 2:3। ठीक है, ऐसे ही जब हमने नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाया कंबाइन करवाया तो हमें मिला एक N2O, N2O3, N2O4, N2O5, हमें ये चार कंपाउंड मिले। जब हमने इन सब में देखो N2 तो सेम है, हमने ऑक्सीजन का जब रेशियो निकाला तो वो आया 1:3:4:5, एक सिंपल रेशियो आ गया, इसी को कहते हैं मल्टीपल प्रोपोर्शन लॉ। अब देखो एक क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ कंपाउंड इलस्ट्रेट लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। अब इनमें से कौन सा एलिमेंट है जो मल्टीपल प्रोपोर्शन को फॉलो कर रहा है। अब मल्टीपल प्रोपोर्शन में क्या होता है, जिसमें जो एलिमेंट्स दो हैं वो सेम है राइट, और वो अलग दो दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट बना रहे। देखो एच इसमें ऑक्सीजन तो सेम है लेकिन हाइड्रोजन एन ए अलग, तो ये मल्टीपल प्रोपोर्शन कैसे फॉलो करेगा राइट, इसमें भी अलग अलग इसमें भी। SnCl2 और SnCl4, देखो SN एक फिक्स्ड है और क्लोरीन क्लोरीन अलग अलग है, तो ये एक मल्टीपल प्रोपोर्शन लो फॉलो कर रहे हैं क्योंकि 1:2 आ गया क्लोरीन का और इस वाले क्लोरीन का, Cl2 का और Cl4 का रेशियो आ गया 1:2। नेक्स्ट लो है लो ऑफ रेसिप्रोकल प्रपोर्शन। अकॉर्डिंग टू दिस लो व्हेन एन एलिमेंट कंबाइन विद टू डिफरेंट एलिमेंट टू फॉर्म टू डिफरेंट कंपाउंड, देन रेशियो ऑफ मास ऑफ डिफरेंट एलिमेंट
विच कंबाइन विद फिक्स्ड मास ऑफ सेम एलिमेंट विल आइदर बी इक्वल और सेम मल्टीपल ऑफ रेशियो इन विच द टू एलिमेंट कंबाइन टू फॉर्म अ कंपाउंड। मतलब देखो, हम इसको सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। मान लो हमारे पास इसमें दीर्घ है, या इसकी डेफिनेशन की हेल्प से समझते हैं। व्हेन एन एलिमेंट कंबाइन विद टू डिफरेंट एलिमेंट, जब कोई एक एलिमेंट दो अलग अलग एलिमेंट के साथ कंबाइन होता है। इससे पहले हम क्या देख रहे थे, एक एलिमेंट कार्बन ही दूसरे एलिमेंट ऑक्सीजन के साथ ही अलग अलग कंपाउंड बना रहे हैं, लेकिन इसमें हम देख रहे हैं एक एलिमेंट दो अलग अलग एलिमेंट के साथ मिलके दो अलग अलग कंपाउंड बना रहे हैं। जैसे हाइड्रोजन के साथ मिलके मान लो उसने बना लिया मीथेन CH4, ऑक्सीजन के साथ मिलके उसने बना ली कार्बन डाइऑक्साइड CO2। ठीक है, देन रेशियो ऑफ मास ऑफ डिफरेंट, यानी कि कार्बन कार्बन तो सेम है, जो डिफरेंट मास वाले जो एलिमेंट हैं उनका जो रेशियो आएगा ना मास का, वो फिक्स्ड मास का जो रेशियो आएगा वो सेम आएगा, जो वो दोनों एलिमेंट विल आइदर बी इक्वल और सिंपल मल्टीपल ऑफ रेशियो इन विच टू एलिमेंट कंबाइन टू फॉर्म अ प्रोडक्ट। यानी वो जो दो अलग एलिमेंट अगर कोई प्रोडक्ट बनाएंगे, जो भी उनका होगा वो रेशियो जो आएगा उनका उसके इक्वल आएगा। सिंपली समझते हैं, मान लो एग्जाम्पल की हेल्प से कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ मिलकर इसने बनाया। कार्बन को निग्लेक्ट कर दो, हमें चाहिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। एक हमने पढ़ा था लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट एंड डेफिनेट प्रपोर्शन, हमें पता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कभी भी आएगा अगर रेशियो तो वो क्या आएगा, 1:8, राइट? क्योंकि जब हमने चेक किया हाइड्रोजन, देखो इसमें हाइड्रोजन का कितना है, 4 है इसका मास, राइट? हाइड्रोजन का 4, क्योंकि एक हाइड्रोजन का होता है 1 और 4 हाइड्रोजन है तो 4। ऑक्सीजन का, एक ऑक्सीजन का होता है 16, दो है तो 32। सिंपल रेशियो में इसको किया तो 1:8 आया। ठीक है, अगर हम HO से कुछ भी बनाते हैं H2, जब इसमें हम चेक करते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, तो भी हमें 1:8 ही मिलता है। तो ये लो यही कहता है कि जब एक एलिमेंट किन्हीं दो अलग एलिमेंट के साथ मिलके दो अलग कंपाउंड बनाता है, तो उसमें जो वो दो डिफरेंट मास वाले एलिमेंट थे ना अलग अलग, उनका जो रेशियो आएगा वो फिक्स है, मतलब वो सेम आएगा। अगर वो दोनों आपस में कोई, मतलब अगर ये दोनों आपस में कोई कंपाउंड बना रहे हैं उसके मास के रेशियो की। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस ऑल्सो। नाउ द नेक्स्ट लॉ इज गे ल्यूसेक्स लॉ। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, गैसेस कंबाइन इन सिंपल रेशियो ऑफ द वॉल्यूम टू फॉर्म प्रोडक्ट, एंड इफ द प्रोडक्ट फॉर्मड इज ऑल्सो गैस, इट विल बी इन अ सिंपल रेशियो विद द वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट गैस। मतलब इस लॉ के अकॉर्डिंग जो गैसेस हैं वो दे कंबाइन इन सिंपल रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम। ठीक है, मतलब एग्जाम्पल की हेल्प से समझेंगे, जैसे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग जो गैस हैं वो अपने सिंपल रेशियो में, अपनी वॉल्यूम के सिंपल रेशियो में कंबाइन होंगी, एक प्रोडक्ट बनाएंगी। और अगर जो प्रोडक्ट है वो भी एक गैस बन रहा है, तो वो भी एक सिंपल रेशियो में होएगा रिएक्टेंट की गैस के साथ। मतलब जैसे देखो, N2+3H2 गिव्स 2NH3। N2 यहाँ पे 1 है आगे, तो 1 मोल N2, 3H2 यानी कि 3 मोल हाइड्रोजन, 2NH3 यानी कि 2 मोल अमोनिया। ठीक है, अब मान लो हम इसको 1 मोल हम मान लेते हैं 10 ml, 1 मोल हम मानते हैं 10 ml, तो 3 मोल कितना आएगा, 30 ml, 2 मोल होएगा 20 ml, तो इनका रेशियो आ गया 1:3:2। सिंपल, पी देखो ये एक इक्वेशन थी, PV=nRT, ये तो हमें पता ही है। P एक कांस्टेंट है प्रेशर, R भी कांस्टेंट है, टेम्परेचर भी कांस्टेंट है, तो हमें पता चलता है कि जो वॉल्यूम है वो नंबर ऑफ मोल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी कि जो हमारी वॉल्यूम है वो नंबर ऑफ मोल्स के, यहाँ पे जो नंबर ऑफ मोल्स है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। कैसे, 1 मोल 10 ml दे रहा है, तो वही 3 मोल 30 ml, 2 मोल 20, राइट? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुई। ये सिर्फ वैलिड है गैसेस के केस में, क्योंकि ये रिएक्शन, मतलब जो इक्वेशन है ये खुद एक गैस की इक्वेशन है। ठीक है, रेशियो नंबर ऑफ मोल्स गिव्स वॉल्यूम, मतलब समझते हैं इसको एक क्वेश्चन की हेल्प से समझते हैं। देखो हमें ना एग्जाम में एक ऐसे क्वेश्चन दिया जा सकता है, मान लो हमें एक इक्वेशन दे दी N2+3H2 गिव्स 2NH3। N2 है हमारे पास 20 ml,
ये जो हमारे पास अमोनिया है, हमारे पास 40 ml, हमें फाइंड आउट करना है। ये आंसर निकालने के बाद मैंने 60 लिखा है, लेकिन ये मान लो हमें गिवन नहीं है, भूल जाओ कि यहाँ पे कुछ भी है। ठीक है, अब हमसे पूछा है कि बताओ 3H2 मतलब हाइड्रोजन गैस जो है वो कितनी है। सबसे पहले हमें चेक करना है क्या ये गैसेस है सारी, N2B गैस, 3H2B गैस और अमोनिया भी गैस, ठीक है, मतलब लो एप्लीकेबल है। तो हम सोचेंगे पहले कि हम क्या कर सकते हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे। अब देखो नाइट्रोजन कितना है, 1 मोल है, हाइड्रोजन कितना है, 3 मोल, राइट, और हमारे पास जो अमोनिया है वो कितना है, 2 मोल। अब हम देखेंगे 1 मोल नाइट्रोजन 20 ml बन रही है, यानी कि 1 मोल 20 ml के इक्वल है, राइट, और वहीं अगर 2 मोल था तो वो 2 मोल 40 ml, यानी कि इंटू 2 का फैक्टर चल रहा है। तो अगर हमारे पास 3 मोल है तो उसको जब हम इंटू 2 कर देंगे तो हमारे पास 60 ml आ जाएगा। सिंपल सी बात है, इनका रेशियो आ गया 1:3:2। ऐसे ही एक और क्वेश्चन अगर हमें गिवन है, N2 + O2 गिव्स NO। अब देखो ये हमारे पास गैस है, ये भी हमारे पास गैस है, लेकिन ये NO हमारे पास एक लिक्विड है, तो इसलिए अगर हमें फाइंड आउट करने के लिए दिया है तो हम इसे नहीं पता कर सकते। ठीक है, तो कई बच्चों इसमें कर भी देते हैं, क्योंकि ये लिक्विड तो मैंने लिखा है क्वेश्चन में, लिक्विड जरूरी नहीं है गिवन हो। क्वेश्चन में बस ये दे देंगे N2 50 ml, O2 50 ml, बताओ NO कितना है, कहेंगे 1N2 इज मतलब 1 mole N2 गिव्स 50 ml, 1 mole O2 गिव्स 50 ml, मतलब 1 mole 50 ml के इक्वल हो गया। तो 2 mole हो जाएगा 15 * 2 यानी कि 100 ml, तो 100 को टिक कर देंगे। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में हमें कांट से या फिर नन ऑफ द अबव ऐसा कोई ऑप्शन होगा तो हमें उसे टिक करना है, क्योंकि यहाँ पे लिक्विड है, ये लो तो एप्लीकेबल होगा ही नहीं, राइट। तो हमने सारे लोग कवर कर लिए, इस वाले पार्ट में हम इतना ही कवर करते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड एम्पिरिकल फॉर्मूला, उसको हम नेक्स्ट वाले पार्ट में कवर करेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड वेल, थैंक यू।